राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र सिंह डोगरा ने प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भाग लिया। रविन्द्र सिंह डोगरा के हिमाचल में किए गए कार्यों की प्रशंसा प्रदेश प्रभारी तारिक अनवर ने की और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने भी उनकी पीठ थपथपाई। रविन्द्र सिंह डोगरा ने तारिक अनवर व पार्टी अध्यक्ष शरद पवार को लोकसभा में गठबंधन से चुनाव लड़ने पर हमीरपुर लोकसभा राष्ट्रीय कांग्रेस हिमाचल को देने के लिए ज्ञापन सौंपा, जिस पर पार्टी ने विचार करने का आश्वासन डोगरा को दिया। इसके साथ ही शरद पवार, तारिक अनवर तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों ने रविन्द्र सिंह डोगरा पर पूरा भरोसा जताते हुए फिर से हिमाचल प्रदेश की कमान सौंपते हुए आगामी 3 वर्षों के लिए हिमाचल का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, जिसके लिए रविन्द्र सिंह डोगरा ने पार्टी अध्यक्ष शरद पवार और प्रदेश प्रभारी तारिक अनवर का धन्यवाद करते हुए लोकसभा चुनावों में पार्टी को पूरा समर्थन हिमाचल प्रदेश से देने की बात कही। रविन्द्र सिंह डोगरा ने कहा कि पार्टी द्वारा उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के लिए दोबारा से चुना गया है, जिसके लिए वह पार्टी का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि जो विश्वास पार्टी ने उन पर दिखाया है वह उन्हें कायम रखने का हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि वे अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का 7वां अधिवेशन आज दिल्ली में हुआ है, जिसके अंदर हिमाचल से हमने प्रतिनिधित्व अपना मंडल यहाँ भेजा था और पार्टी ने हमारे कार्य से खुश होकर दोबारा से हमें हिमाचल का प्रभार दिया है। माननीय तारिक साहब और पवार साहब से मेरी इस विषय में जब बात हुई, उन्होंने बोला कि हमारे कार्यक्रमों को देखते हुए फिर से मुझे उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है, जिसके लिए पार्टी का पूरा धन्यवाद करता हूँ और मैं आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी को पूरा समर्थन करूँगा।